नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मनी. एसेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम अभी तक हमने ये बात करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ की बात भी करते हैं, तो वहां पर हमें कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है. अगर एक फैमिली है तो उसके सभी मेंबर्स को भी कोऑर्डिनेट करना है. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, टीम वर्क कर रही है, उन्हें भी कोऑर्डिनेट क्यों जरूरी है? ऐसा कौन सा मैनेजेरियल स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें फील हो रही है कि वो उसका एसेंस है? दैट वी विल डिस्कस. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इन साइज. एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना सेम साइज के नहीं, कोई स्मॉल है, कोई लार्ज है. और विद टाइम, विद चेंजेस जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के, जो हम अपनी पॉलिसी लेके आते हैं, कई बार स्मॉल बिजनेस की लार्ज बन जाते हैं, उनका साइज ग्रो हो जाता है. तो यही बात आती है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता है, दैट ग्रो इन साइज, तो उनके ग्रोथ के साथ साथ हमारी जो नीड है, हमारी जो कोऑर्डिनेशन की नीड है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की नीड है, वो और ज्यादा इंक्रीज. ठीक है, विद द ग्रोथ, जैसे जैसे एंटरप्राइज ग्रो करता है, नंबर ऑफ पीपल जिनकी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अपनी अलग अलग एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, जब वो डिफरेंट एबिलिटीज वाले डिफरेंट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, और वो मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, वो टीम बढ़ती चली जाती है, कोऑर्डिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. कोऑर्डिनेशन ही है जो सबको इंटीग्रेट करता है. क्या करता है? इंटीग्रेट मींस कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो वर्क हो रहा है, जो इतने सारे पर्सनल्स वर्क कर रहे हैं, उन सबको इंटीग्रेट कौन करता है? कोऑर्डिनेशन. ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. कि हमने अभी तक बोला कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे हैं, तो वो सब कब वर्क करेंगे? कोऑर्डिनेशन. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बढ़ जाता. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज आर फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बाद फिर वही पॉइंट आता है कि डिपार्टमेंट में डिफरेंट पर्सोनल्स होते हैं जिनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग होगा, और आपके फाइनेंस का अलग होगा. जब डिफरेंट डिपार्टमेंट के फंक्शन कैपेबिलिटी है, तो उनके सारे आउटकम्स भी डिफरेंट होते हैं. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, और अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उनकी डिपार्टमेंट्स, चारों डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है. यहां पर कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेशन है वो एक लिंक की तरह वर्क करता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूनाइट करता है, जोड़ता है. हम कहते हैं ना कि जो फंक्शंस है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम कह रहे हैं कि अपने अपने फॉर्म कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते कि सब अपना अपना करेंगे, वो इंटरडिपेंडेंट. सेल्स जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है कि जितना आप आउटपुट तो उतना ही सेल. ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में डिमांड है तो आप जितना मर्जी है, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन. तो यहाँ पर सभी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द फोकस और फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन गोल. और उन सबके लिए क्या जरूरी है? ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट्स इंपॉर्टेंस इज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन की बात हम क्यों करते हैं? हम कह रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर जो स्पेशलाइज पर्सनल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, उनकी उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम प्लेसमेंट करते हैं डिपार्टमेंट्स में. अब जिसको आप फाइनेंस की नॉलेज है, कोई अकाउंटेंट है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल पाएगा ना, इंस्टेड ऑफ अदर वन जिसको नॉलेज नहीं है. तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की क्यों फील करते हैं कि जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को वर्क करते हुए, वहां पर जब स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं उन्हें उस चीज की नॉलेज है, और यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अदर डिपार्टमेंट्स उनके साथ मिलकर के वर्क कर रहे हैं, साथ कोऑर्डिनेट किया. उनकी ये जरूरत होती है, उनके लिए ये नेसेसिटी है कि वो अदर डिपार्टमेंट्स को भी वो चीजें सिखाएं, कोऑर्डिनेट.
कि वो अपनी स्किल्स अप्लाई करके अलोन अपना गोल अटेन. दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. आपने अभी तक जितना भी इस चैप्टर में रीड किया, द वे वी हैव डिस्कस्ड, द पॉइंट्स हमने डिस्कस, आपके लिए जरूरी है कि आप सभी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो. एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं जहां पे आपको इनडायरेक्टली दैट वी विल अबाउट कोऑर्डिनेशन, तो हम इसकी भी एक केस स्टडी करेंगे. बट आपको जब एग्जाम में जिस तरीके का आपका पैटर्न केस स्टडीज भी, सब्जेक्टिव आंसर्स भी, तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन या मैनेजमेंट या किसी के फंक्शंस फीचर्स की बात करें तो आपने 4 पॉइंट्स लर्न कर लिए, दैट्स ओके. नो, आपको अपने चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. अगर आप केस स्टडी पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ऑलरेडी उन्होंने फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन से फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपको एक नहीं दो नहीं, आपको सारे फंक्शंस याद होने. एंड यू मस्ट अडॉप्ट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन कि आपको अपने एग्जाम में अपना आंसर्स, अपना आपकी आंसर शीट है उसको और प्रेजेंटिंग कैसे बनाना है, अच्छे से अटेम्प्ट कैसे करना है. जो हम अभी इतने सारे फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, द वे वी आर डिस्कसिंग पॉइंट्स को हम अपने हाईलाइट कर रहे हैं, आपको इस चार्ट्स आंसर शीट में बनाने हैं अपने आंसर्स को. ओके, सो एट लास्ट लेट्स डिस्कस आवर केस स्टडी. देयर इज अ केस, It acts as a binding force between different departments and ensure that all action are aimed at achieving the goals of the organization. कि ये एक binding force की तरह work करता है और इसका aim क्या है कि जो goal है वो achieve किया जाए. तो ये जो statement है that highlight the characteristic of coordination. ये coordination की कौन सी characteristic को highlight करता है? Coordination is all pervasive. Is a responsibility of manager. It is a continuous process or it ensures unity of action. ये सारी आपकी क्या है? Characteristics. और उस एक statement के basis पे आपको बताना है कि वो statement कौन सी characteristics को point out. तो आपका question क्या था कि it acts as a binding force between departments. तो अलग अलग departments को bind करता है. That means ये unity ensure करता है कि जो अलग अलग departments perform कर रहे करता है उन्हें है कॉर्ड. ओके, दिस वॉज अ केस स्टडी. नाउ वी आर डन विद आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर नेचर एंड फंक्शंस ऑफ